हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड सेफ. स्टूडेंट, माय नेम इज़ सुखजिंदर. टुडे आई विल टीच यू चैप्टर नंबर 6, पार की नज़र. पार नज़र के बच्चों, पार नज़र के जो पार्ट है वो एक ऐसा पार्ट है जो आप एक कल्पना कर सकते हो. बच्चों, इस पार्ट को पढ़ने से पहले मैं आपसे आपको बताना चाहूँगी कि आपने पिक्चर देखी है क्रिश? देखी है ना? किसकी थी? यस, ऋतिक रोशन की. और कोई मिल गया? और आपने पीके देखी है? पीके, पीके में जो आमिर खान होता है वो कहाँ से आता है? यस, आपने सही अनुमान लगाया. जो पार की नज़र है वो एक काल्पनिक कथा है मंगल ग्रह के निवासियों से संबंधित. जैसे आपने पीके मूवी में देखा है ना, कहाँ से आया था वो? मंगल ग्रह से. तो बच्चों, ये जो चैप्टर है पार नज़र के, वो हम स्टार्ट करने जाते हैं. ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है. एक वह एक सुरंगनुमा रास्ता था आदमी के लिए. इस रास्ते से हुए जाने की मनाही थी, लेकिन क्या हुआ? लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा को सिक्योरिटी पास लिया और जहाँ पहुँचा सुरंग में. फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है कि उस तरफ मत जाया करो, फिर पापा क्यों जाते हैं? अब उसकी मम्मी ने बोला, छोटू तुम्हें कितनी बार कहा है उस तरफ मत जाया करो, फिर पापा क्यों जाते हैं? तो पापा तो उस तरफ रोज़ पापा क्यों जाते हैं? पापा को काम पर जाना होता है, उसकी मम्मा ने बताया. छोटू बोलता है, रोज़ाना वही वार्तालाप हुआ छोटू की माँ और छोटू के बीच. उस तरफ एक सुरंग बना था और छोटू के पापा उसी सुरंग से होते हुए काम पर जाते थे. आम आदमी के लिए इस रास्ते पर जाने की मनाही थी. चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंग में रास्ता जो था इस यहाँ से जा सकते थे, इस्तेमाल कर सकते थे. और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे. चंद चुनिंदा लोग ही सुरंग वाले रास्ते से जा सकते थे जिनके पास पास होता था. हर कोई नहीं जा सकता था उस रास्ते से. छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे. आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम कर रहे थे. नज़र बचाकर छुपते हुए छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ. वैसे तो इसकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी. यह जो सुरंग वाला रास्ता अंदर दिए जल रहे थे, कि ऐसा रास्ता था जिसके अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने के लिए पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था. दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था. छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाजा खोला. जैसे ही कार्ड डाला तो दरवाजा क्या हुआ? खुल गया. जैसे ही दरवाजा खुल गया, छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया. अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था. उसे उठा लिया. कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ. छोटू ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई तो क्या था? सुरंग बनी हुई थी रास्ते में, ऊपर की तरफ जा रहा था, यानी जमीन के ऊपर से ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था. ऐसा लग रहा था छोटू को कि जमीन के ऊपर, क्योंकि वो छोटू क्या था, जो लोग थे वो जमीन के अंदर रहते थे नीचे, और जमीन के ऊपर उसे रास्ता मिल जाने का, ऊपर जाने का रास्ता उसे मिल गया था. मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया. सुरंग में जगह जगह पर निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी. छोटू को नहीं पता था कि सुरंग में कैमरे लगे हुए हैं, उसे नहीं पता था. तो निरीक्षक यंत्र यानी कि कैमरे छोटू को नहीं थी खबर. मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई. इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आ गया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली. किसी एक नियंत्रण केंद्र आया, जैसी होता है ना कि एक
अलग से दिया जाता है कि निरीक्षक यंत्र होता है कि जिसमें पता लग जाता है कि कोई दूसरा आया है, अगर वही आते हैं तो सही रहता है कि हाँ पता रहता है अपना, कोई अलग सा आ जाए तो वो सिग्नल बजना शुरू हो जाता है अलार्म सा। तो ऐसे ही हुआ, इस तस्वीर को जैसे एकदम से तस्वीर उसकी खिंच गई केंद्र से, नियंत्रण केंद्र में। इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। इस सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था, तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी, बस अब छोटू की खैरियत ना थी। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा। अब किसने बोला? छोटू के पापा ने बोला, छोड़ो भी मैं इसे समझा दूंगा, फिर ये ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र जमीन के ऊपर है, आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता, क्योंकि जो ऊपर का माहौल है वहाँ पर वो जी नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हो वहाँ? छोटू ने अपने पापा से सवाल पूछा। छोटू का सवाल लाजमी था पूछना। मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ, इस स्पेस सूट में मुझे ऑक्सीजन मिलती है जिससे मैं सांस लेता हूँ, इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूते की वजह से ज़मीन के ऊपर चलना क्या हो जाता है बच्चों? ऊपर चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब मैं मंगल ग्रह पर सभी जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म के पोशाक के। हमारे पुरखे जमाने, यानी कि जो पुराने जमाने के लोग थे, जो उनके पुरखे थे, ऊपर रहा करते थे, यानी कि दादा दादी परदादा परदादी हाँ ये सब कहाँ रहा करते थे? धरती के ऊपर। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन होने लगा, कई तरह के जीव धरती पर आकर धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज में हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, यानी कि गर्मी। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ की प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। जैसे सूरज में परिवर्तन हुआ तो क्या हुआ, यहाँ की जो प्रकृति थी उसका संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदलते रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी पेड़ पौधे अन्य जीव सूक्ष्म साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। आप अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमें जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यह सुचारू रूप से चलते रहे इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझे जैसे ही चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं, मुझ जैसे ही, जैसे कि मैं और लोग इनका ध्यान रखते हैं, बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने बोला, छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। किससे? अपने पापा से, कि बड़ा होकर मैं भी ये काम करूंगा। तो उसके पापा क्या बोलते हैं? बिल्कुल, मगर इसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की सुननी होगी। और माँ ने कहा, दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखो तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदलता सा था, जैसे कि बदला सा था कंट्रोल रूम का वातावरण। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था, वह बताने लगा कि यह कोई
आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अड़िंग नहीं रहा है, भी एक जगह पर रुक नहीं रहा है। पिछले कई घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अब धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा था, ये देखो बच्चों क्या हो रहा है, ये कंप्यूटर में दिखाई दे रहा है ना कि क्या बढ़ता चला आ रहा था, अब ये दिखाई दे रहा है। ये क्या था, अंतरिक्ष यान तो नहीं है? छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया, कहा कि कहीं ये क्या नहीं है, उन्होंने कहा कि कहीं ये संदेह, उन्होंने अपना संदेह प्रकट किया कि कहीं ये अंतरिक्ष यान तो नहीं है। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिए। छोटू के पापा सोच में डूब गए, क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? क्या ये सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल से हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसा हो सकता है? और अगर होगा तो क्या इतनी प्रगति हो चुकी होगी कि अंतरिक्ष यान छोड़ सकें? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यान उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। हमारे लिए क्या है ये, लेकिन अब ये हमारे लिए असंभव है। इसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान के नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर हम इस तरफ आ रहा होगा, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा, तब यह संभव हो सकेगा। देखें, अब अंतरिक्ष यान से एक यात्री हाथ बाहर निकाला। अंतरिक्ष यान से एक यात्री ने, अंतरिक्ष यान से उन्होंने देखा, कैमरे में एक आदमी ने हाथ बाहर निकाला। हर पल की बढ़ती लंबाई बढ़ती जा रही थी, उसके हाथ की हर पल लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई और अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल में ही मिली जानकारी का पता चलाया कि दो अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इन में से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर एक, आपका क्या ख्याल है? बच्चों क्या होता है, जैसे कि टीम बांट दी जाती है, आपने देखा स्कूल में अगर टीचर्स हैं तो कोऑर्डिनेटर होते हैं, है ना, इंचार्ज होते हैं, तो उनसे भी सारी जब मीटिंग होती है तो सभी टीचर्स की, तो वन बाय वन पूछा जाता है कि आप बताइए आपके क्या राय है, कैसे होना चाहिए। कोई प्रोग्राम बनाना हो तब भी राय पूछी जाती है कि आप बताइए कैसा प्रोग्राम होना चाहिए, क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं। बच्चों से भी राय पूछी जाती है, होता है ना ऐसा, तो इसी तरह से मीटिंग में भी ऐसा ही हुआ। कॉलोनी की सुरक्षा पूरी जिम्मेदारी नंबर एक पर उन्होंने कुछ कागज़ समेटे और बोलना आरम्भ किया। इस दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकती। अंतरिक्ष यान बेकार का जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं हैं। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद से जमीन पर उतरे तो क्या होगा, हमारे पास नहीं कर देने की क्षमता इसमें अवश्य है कि हमें खुद ब खुद जमीन पर उतारने की क्षमता हमारे पास है, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह की जीव इनमें सवार नहीं है। कह रहे मेरे हिसाब से इसके अंदर कोई जीव सवार नहीं है, सिर्फ इसमें यंत्र हैं। नंबर एक की बात सही लगती है। नंबर दो एक वैज्ञानिक थे, वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनमें बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए मेरी राय है कि हमें सिर्फ अवलोकन करना चाहिए। बच्चों कुछ तो कहते हैं कि इसे जला देना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं इसे जलाना नहीं चाहिए, इसे देखना चाहिए कि आगे क्या है, और जहाँ तक हो सके तो हमें इसके अस्तित्व को छुपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनमें से कोई बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे।
हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इस यंत्रों को क्या हो, यहाँ गलतफहमी हो कि यहाँ यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि यह ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जिससे कि लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय से यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3, सामाजिक व्यवस्था का काम करते थे। नंबर 3 क्या काम करते थे? सामाजिक व्यवस्था का। इनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चौंका उठाया। 1 मिनट बाद सभा के संबंधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर ही उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। अब अंतरिक्ष यान बच्चों नीचे उतर चुका था, तो क्या था छोटू के लिए? बहुत बढ़िया था, क्योंकि छोटू को देखना था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रम 1 तरफ साफ नज़र आ रहा था। कैसे अजीब लग रहे हो यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही इसका निरीक्षण जारी है, इस पर बराबर हमारा ध्यान है। छोटू को क्या बोलते हैं उसके पापा? कि इस पर हमारा बराबर ध्यान है और इसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त रहने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे। छोटू के पापा ने बताया। उन्हें छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। एक कंसोल दिखाया बच्चों, एक कंसोल जैसे कीबोर्ड होता है ना कंप्यूटर में, ऐसे एक कंसोल होता है जिस पे बहुत सारे बटन होते हैं। अब अंतरिक्ष यान से एक यात्री हाथ बाहर निकाला। उसने जैसे देखो बच्चों हाथ दिख रहा है ना, हाथ बाहर निकाला हुआ है, तो उसने हाथ बाहर निकाला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। वह शानदार ज़मीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर देख रही रहे थे, अंतरिक्ष यान की यह हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवाय एक के, उसका ध्यान कहीं और था, छोटू। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबने की अपनी इच्छा की वजह से रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बराबर अपनी तरफ खींच रहा था और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। अगर उस तरफ यह अब अंतरिक्ष यान की यह यात्री हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी, यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस नासा, यानी कि नासा बच्चों इसका पूरा नाम है नासा, द्वारा प्रस्तुत व्यक्ति ने अपना सारा सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया हुआ था। बच्चों सब क्या देख रहे थे? अंतरिक्ष यान को। लेकिन छोटू का ध्यान कहाँ था? बटन की तरफ, लाल बटन जो उसे आकर्षित कर रहा था, अपनी तरफ खींच रहा था। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा था। हालांकि इसकी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यात्रिक हाथ बेकार हो गया है। नासा की तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यात्रिक हाथ में दुधारू जो हाथ उसने बाहर निकल रहा है उसका प्रयास जारी है कि वो क्या कर रहा है, मिट्टी खोद रहा है, प्रयास जारी है। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों में छापा। नासा के तकनीशियों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुधारू करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी को विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। पृथ्वी की वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक। उन्होंने उम्मीदें थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगा सके कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी रहस्य है। बच्चों आपको पता है मंगल ग्रह पर जीवन संभव है ना। अब आपको पता है कि अभी खोज चल रही है, सूर्य पर तो है, चांद पर है, क्या वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि मंगल ग्रह पर जहाँ पर मिट्टी संभव है या नहीं है, अभी भी उसका रहस्य बना हुआ है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। अब मैं इस
पार्ट के क्वेश्चन आंसर आपको कराऊंगी। पहला है, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? बच्चों कहाँ रहता था? छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बसी कॉलोनी में एक मकान में रहता था। दूसरा क्वेश्चन है, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी? बताइए क्यों नहीं थी, पार्ट के आधार पर लिखो। सुरंग में केवल कुछ ही विशेष लोगों को जाने की इजाज़त थी। सुरंग के रास्ते में जिन लोगों के पास सिक्योरिटी पास होता था उन्हीं को ही वे ही वहाँ जाते थे। इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह के सभी आम जन जीवन था पर वह सब नष्ट हो गया। इसे लिखो, कैसे नष्ट हो गया? कंट्रोल रूप क्या हो गया था? आप बच्चों इसे अपने हिसाब से बताइए। इस कहानी में क्या हो गया? इस कहानी के अनुसार पृथ्वी की तरह ही मंगल पर जीवन था। पेड़ पौधे, जीव जंतु, हमारे पूर्वज बिना किसी यंत्रों के मदद से, बगैर किसी खास किस्म के पोशाक, जमीन के ऊपर रहा करते थे। धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन होने लगा, तो परिवर्तन सूरज के कारण हुआ और सूरज में परिवर्तन होते ही प्राकृतिक बिगड़ने लगा। धीरे धीरे पेड़ पौधे नष्ट हो गए और वहाँ रहने वाले पशु पक्षी अन्य जंतु प्रभावित हुए। सब कुछ वहाँ पर नष्ट हो गया मंगल ग्रह में। ओके स्टूडेंट, अब है कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसे क्या हरकत की? कंट्रोल रूम में छोटू ने कंसोल, जो उसके पास था, कंसोल पैनल देखा। क्या देखा उसने? कंसोल पैनल देखा। उसका पूरा ध्यान कंसोल पैनल पर लगे लाल बटन पर था। छोटू का मन था कि वो लाल बटन को दबाने के लिए हुआ उसका मन हुआ लाल बटन दबाने के लिए। उसने बटन दबा दिया और बटन दबाते ही उस यांत्रिक यान की हरकत रुक गई। यह यंत्र बेकार हो गया। हुआ बच्चों ऐसा? वेरी गुड बच्चों, ये ऐसे ही क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन है, कहानी के अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के नेशनल यानी कि नासा के लोगों ने भेजा था। नासा ने भेजा था। वहाँ के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी का अध्ययन करना चाहते थे। वे जानना चाहते थे कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी जैसा जीवन है या नहीं, क्योंकि बच्चों पहले मंगल ग्रह पर जीवन संभव था, अब नहीं है। नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन अजनबी से निपटने के लिए कौन कौन से तरीके सुझा रहे थे? बच्चों आपको मैंने बताया है, नंबर एक क्या कह रहा था? नंबर एक के अनुसार जो यानों को जला सकते हैं, उन्होंने बोला था जला सकते हैं। और दो ने बोला था कि यंत्रों को बेकार कर देना चाहिए। और तीन ने बोला कि व्यवस्था को देखते हुए उसके अनुसार जहाँ तक हो सके अपना अस्तित्व छुपाए रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट, आई होप बच्चों आपको समझ आ गया होगा चैप्टर। चलिए स्टूडेंट, अब इसके कुछ मैं कठिन शब्द करा देती हूँ, इसके कुछ कठिन शब्द कर देते हैं जो शब्द आपको टफ लग रहे थे। पहला है वार्तालाप यानी कि बातचीत। हथियाना, हासिल कर लेना। लाजमी, आवश्यक यानी कि जरूरी। मंशा, इरादा। खाक, राख। मैंने दोबारा लिख दिया है, मंशा, इरादा। गिर्द, आसपास। सहसा, सहसा यानी कि अचानक। निर्धारित, निश्चय किया गया। क्रमांक, क्रम के अनुसार। उष्णता, गर्मी। बच्चों ये कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। चलो स्टूडेंट, आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है एंड तक और लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय स्टूडेंट।